आइए फिर से आपका स्वागत है। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। यह सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, ये जो बीमारी है, ये 30 साल के पहले इसकी शुरुआत होती है। इसमें काफी सारे शारीरिक लक्षण होते हैं और 2 साल से ज्यादा शारीरिक लक्षण जब रहते हैं, मौजूद रहते हैं, और वो शारीरिक लक्षण से वो व्यक्ति के सामाजिक जीवन में, जहाँ वो काम करता है, पेशा उसका जो है उसमें, या उसके जीवन के अदर जो हिस्से हैं उसमें समस्या निर्माण होती है, क्योंकि उसको ये शारीरिक प्रॉब्लम है, इसके वजह से समस्या निर्माण होती है और 2 साल से ज़्यादा है, तो उसको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। मेरे पास में लोग आते तो वो काफ़ी सारी फाइल्स लेके आएंगे, थप्पी, 5, 10, 15 अलग अलग डॉक्टर के तरफ से लोग आए रहे थे और बोलते कि देखो इतनी सारी प्रॉब्लम हमें है और अभी तक सब तरह की जांच पड़ताल किया मगर उसमें कुछ भी निकला नहीं, और कोई डॉक्टर को भी हमारी बीमारी हाथ में आई नहीं है। सब तरह हम गए, बड़े बड़े सिटीज में गए, वहाँ के बड़े डॉक्टरों को बताया मगर हमारी बीमारी किसी के हाथ में लगी नहीं है, मेरे को इतना प्रॉब्लम है। अभी उन्होंने बोला कि भाई आप साइकियाट्रिस्ट के पास में जाओ, इसलिए मैं आपकी तरफ आ गया। अब ये जो बीमारी है इसमें होता क्या है वो हम देखेंगे। इसमें अलग अलग लक्षण होते हैं, तो एक ये है कि नंबर एक मतलब ए, इसमें 4 जगह शारीरिक दर्द, 11 में से यदि 4 जगह यदि प्रॉब्लम है या शारीरिक दर्द है तो वो होना जरूरी है, 11 में से 4। तो कौन से 11 एरियाज है बदन के, उसमें से 4 जगह प्रॉब्लम होना जरूरी है। नंबर एक, सिर में दर्द, पेट, पीठ, जोड़ों में दर्द, हाथ पैर में दर्द, सीना, चेस्ट, गुदद्वार, मासिक धर्म, संभोग या पेशाब। तो ये 11 जो एरिया है इसमें दर्द होना जरूरी है, मतलब 11 अलग अलग बॉडी के हिस्से में, और 11 में से 4 यदि पॉजिटिव है तो वो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर उसको कहा जा सकता है। तो लोगों को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम रहते हैं ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बॉडी में रहते हैं, जहाँ वहाँ दर्द, इधर दर्द, उधर दर्द, फ्रंट में दर्द, बैक में दर्द, हाथों में दर्द, पैर में दर्द, चेस्ट में दर्द, सिर में दर्द, मेंस्ट्रुएशन के समय में दर्द, ऐसा उनको बोलते रहते लोग। फिर पाचन संस्था में जो लक्षण है पाचन संस्था के, तो 5 में से 2 लक्षण होना जरूरी है। तो वो कौन से है? नंबर एक, जी मछलाना। नंबर दो, पेट में फूलना, पेट फूलना। नंबर 3, उल्टी होना। नंबर 4, शौच बार बार लगना। और 5, खाने की बहुत सारी चीज़ों के लिए सेंसिटिव रहना या सहन नहीं होना। तो ये 5 लक्षण में से यदि 2 लक्षण पाचन संस्था के हैं तो ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में आते हैं। तो ये लोग काफ़ी, उनको मतलब पाचन संस्था के प्रॉब्लम रहते हैं और कुछ ना कुछ कंप्लेंट रहते हैं, और वो काफ़ी जगह जाके आए रहते हैं और काफ़ी सारी दवाइयाँ उन्होंने ली रहती है। तो पहला हो गया 11 में से 4 शारीरिक दर्द। फिर दूसरा मैंने बताया 5 में से 2 पाचन संस्था के लक्षण। फिर तीसरा 5 में से 1 लैंगिक समस्या। तो ये कौन से 5 है जिसमें कि एक लैंगिक समस्या? नंबर 1, सेक्स की इच्छा नहीं होना। नंबर 2, नपुंसकत्व। नंबर 3, शीघ्रपतन। नंबर 4, अनियमित मासिक धर्म। नंबर 5, मासिक धर्म का ज़्यादा होना। और एक नंबर 6, गर्भधारणा में बहुत ज़्यादा बार उल्टियाँ होना। तो ये 6 में से 1 यदि समस्या है तो हम समझते हैं कि ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में वो व्यक्ति आ सकता है। तुमने पहले देखा कि 11 में से 4 दर्द, फिर 5 में से 2 पाचन संस्था के प्रॉब्लम, फिर 6 में से 1 सेक्स के बारे में प्रॉब्लम, डी चौथा वाला जो है वो मस्तिष्क मतलब ब्रेन का प्रॉब्लम, ब्रेन ऐसा लगता है कि ब्रेन की बीमारी है, भेजे कि मस्तिष्क की बीमारी ऐसा लगता है मगर मस्तिष्क की बीमारी रहती नहीं है, और तभी भी लक्षण शारीरिक दिखते हैं और वो उसकी शुरुआत मस्तिष्क हुई ऐसा लगता है। तो वो कौन से वो उसमें के 13 लक्षण हैं, तो 13 में से 1 लक्षण होना जरूरी है। वो कौन से हैं? एक तो चलने के समय असंतुलन होना, बैलेंस निकल जाना। नंबर 2, हाथ पैर में कमजोरी। नंबर 3, निगलने में तकलीफ। नंबर 4,
गले में गांठ महसूस होना, नंबर 5 आवाज नहीं निकलना, नंबर 6 पेशाब पेट में जमा होना, पेट फूल जाना पेशाब की वजह से, 7 आंख और कान का भ्रम, 8 स्पर्श ज्ञान, 9 दो दो दिखना, 10 अंधापन, 11वां बहरापन, देन फिट्स आना, झटके आना, याददाश्त नहीं होना या याददाश्त निकल जाना बीच बीच में, और कभी कभी बेहोशी आना। तो इसमें से एक लक्षण यदि रहा तो हम समझते हैं कि इसको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में ये आ जाता है, मतलब वो उसको बीमारी होती रहती है। इन शॉर्ट, बीमारी में होता क्या है? बीमारी में ये है कि अनेक शारीरिक लक्षण है वो मस्तिष्क के डॉक्टर के पास में जाके आया रहता है, सब लक्षण वो चेक करके लेता है, सब सीटी स्कैन MRI और सब स्कैन, पेट के सोनोग्राफी, खून की जांच, पेशाब की जांच, पेट के सब एंडोस्कोपीज, कोलोनोस्कोपी, मतलब सब किया हुआ रहता है, सब तरह की जांच होने के बावजूद भी उसको काफ़ी सारे शारीरिक लक्षण रहते हैं, और शारीरिक लक्षण ऐसा लगता है कि कुछ तो भी शारीरिक बीमारी है, मगर शारीरिक बीमारी रहती नहीं है। सब तरह की जांच होने के बाद में डॉक्टर बोलते कि नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ है, अभी आपको सिर्फ ऐसी चिंता मत करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, ऐसा बोलते रहते हैं, मगर एक्चुअली उनको रहती है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर ये मानसिक बीमारी है, मानसिक कारण इसका होता है और मानसिक कारण से शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसका इलाज होना जरूरी है। इसमें हम कुछ पेशेंट लोगों को दवाइयाँ देते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं एंटी डिप्रेशंस है कि वो दवाई लेने से काफ़ी फायदा होता है। नंबर 2 हिप्नोसिस सम्मोहन उपचार, नंबर 3 मेडिटेशन, नंबर 4 रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं, नंबर 5 काउंसिलिंग, नंबर 6 उनको REBT जैसे टेक्निक जो है, कॉग्निटिव थेरेपी है, तो वो हम उनको सिखाते, साइकोथेरेपी करते, काउंसिलिंग करते, उनका इलाज करते रहते हैं, तो लोग अच्छे हो जाते हैं। ये लोगों के काफ़ी सारे साल इसमें निकल जाते हैं बीमारी के वजह से, क्योंकि ये काम बराबर नहीं कर सकते, धंधा पानी नहीं कर सकते, समाज में उठना बैठना बराबर इनका होता नहीं क्योंकि तकलीफ बहुत होती रहती है, और जीवन के हर क्षेत्र में परेशानी रहती है, घर के लोग परेशान हो जाते हैं, ये दुखना वो दुखना, दर्द होना, अनेक डॉक्टर घूमते जाना, अनेक जांच, लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को पेट में ऐसा गोला घूम रहा है ऐसा लगता है, छाती में गैस बहुत भर जाती है। एक मेरे पास में पेशेंट आया था, बोल रहा था कि छाती में इतनी गैस हो जाती है और पेट में इतनी गैस हो जाती है कि ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो रही है ऐसा मुझे लगता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हमको गैस नीचे निकलती नहीं है और वो गैस पेट में जमा हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो सांस जो है वो इतनी भर जाती है पूरी और ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा और सांस अभी बाहर नहीं आएंगे, और ऐसा लगता है कि निकलने में तकलीफ है, यहाँ कुछ अटका हुआ है और मैं खाना ही नहीं खा सकता हूँ। एक्चुअली वो खाना खाते पीते सब रहते सब चालू रहता हूँ। कुछ लोगों को छाती में दर्द है, उनको लगता है कि बार बार अटैक आ गया और कुछ तो भी हो गया है ऐसा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गिर जाऊंगा, मस्तिष्क फिर रहा है, घूम रहा है सिर, ऐसा लगने लगता है। कुछ लोगों को बहुत दर्द होते रहता है बॉडी में, तो ये लोग मतलब काम के नहीं रहते, कमाई नहीं कर सकते, उल्टी कमाई बर्बाद हो जाती है इसमें। तो इनका इलाज जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास में ये इलाज करते लोग, तो ये बीमारी अच्छी होके ये लोग जीवन अच्छे जी सकते हैं। और ये लोग ही अच्छा जीवन नहीं है, इनके साथ साथ उनके फैमिली मेम्बर्स, आजू बाजू के लोग, वो भी अच्छा जीवन जिएंगे और सब खुशहाल रहेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे नीचे नंबर दिए हैं, वहाँ ऑनलाइन काउंसिलिंग करते हैं, हमारे यहाँ लोग आते रहते हैं, यहाँ लोग भर्ती होते हैं, इलाज कर लेते हैं। 2 हॉस्पिटल्स है जहाँ रिसारोम के साथ में, रिसारोम के अलावा लोगों को हम भर्ती करते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है, ये हमारी इच्छा है, ये हमारा मिशन है, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।